और कैसे हैं आप लोग। अब देखिए, जेपीएससी हिस्ट्री में का जो फोर्थ पास्ट है, झारखंड का हिस्ट्री, उसमें टॉपिक लेकर के हम आज आए हैं। कुछ टॉपिक ऐसा है जेपीएससी झारखंड हिस्ट्री में जिसमें आपको मटेरियल उतना अवेलेबल नहीं है। और एक बात इसमें है कि इसमें हमको लगता है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बन भी नहीं रहा है, क्योंकि बिरसा और टाना के बाद इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनना हमको लगता है थोड़ा सा मुश्किल ही है। लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है? तो बात कर लीजिए सर, थोड़ा ज़्यादा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये टॉपिक आपका है आदि धर्म, अर्थात झारखंड के आदिवासियों की सरना संस्कृति। ये जो सरना वाला टॉपिक है, ये टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन हमको लगता है कि शायद नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है इसको जाना तैयार करके। अभी फिलहाल जो है झारखंड में दो चीज़ चर्चा में था। एक था आपका TSC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसका कि गठन हुआ है अभी, जिसका कि चेयरमैन है आपके झारखंड के CM। और नंबर 2 था चर्चा में सरना कोड, ठीक है? अब सरना कोड और TSC अभी काफ़ी चर्चा में है, तो हमको लगता है कि हो सकता है कि इस संदर्भ में सरना कोड को लेकर, कि सरना कोड क्या है, सरना कोड बनना चाहिए, जो बाकी भारत में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई के साथ साथ जो सरना कोड अलग से हमको मिलना चाहिए, तो इसका एक डिमांड काफ़ी बढ़ा। और जब सरकार झारखंड में आई तो हेमंत सोरेन ने कहा कि नहीं, ये बनना चाहिए। तो सरना कोड अभी काफ़ी चर्चा में है, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि सरना कल्चर पे शायद एक क्वेश्चन बन जाए। दूसरा, ये जो TSC है, ये TSC का काम क्या है? ये TSC जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, वास्तव में इसका काम है कि जो भी ट्राइबल्स हैं झारखंड का, नहीं मतलब ये तो संदर्भ जहाँ झारखंड का है, लेकिन झारखंड के अलावा भी बाकी जो आदिवासी रह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, भले संख्या कम अधिक हो सकता है, लेकिन ये सारे आदिवासियों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए। और ये TSC जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, इसका काम ही है कि जो भी ट्राइबल्स हैं उनका अधिकार, उनका वेलफेयर में काम करना। तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अगर तैयार भी कर लेंगे लॉ क्वेश्चन, तो अच्छा होगा, ठीक है? अब देखिए, इसमें हम क्या किए हैं, कुछ पार्ट कर दिए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला हम बात उठाए हैं सरना धर्म क्या है। सबसे पहले बताएंगे कि वास्तव में है क्या है सरना धर्म। दूसरा, कि सरना धर्म का जो सरना संस्कृति है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, मतलब ये जो कल्चर है, ये कल्चर कैसे हिंदुओं का या सनातनियों से अलग है, और वास्तव में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें सब में देखा जाए तो ज़्यादा भेरी भेरी इंपॉर्टेंट यही वाला पार्ट है, ठीक है ना? विशेषताएं जो सरना कल्चर का है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नंबर है तीसरा, सरना संघ के कार्य या उद्देश्य। वास्तव में जो सरना कोड, सरना जो धर्म है, सरना कल्चर है, वो अपना सरना संघ बना के काम कर रही है। और उसका अगला है, अब उसके बाद हम रखें एक टॉपिक, सरना कोड का प्रस्ताव। झारखंड सरकार ने सरना कोड का प्रस्ताव जो लाया है और पारित करने के लिए काम कर रही है, पारित कर चुकी है, तो उसमें क्या क्या उसका संदर्भ है। और उसके बाद आदिवासियों के लिए झारखंड सरकार की पहल, झारखंड सरकार क्या कर रही है, उसी में ये हम बात कर रहे हैं। ये जो वास्तव में TSC है, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ये अभी बहुत चर्चा में है। ये जो पहल का है, जो हम ये बात हम किए हैं, ये TSC के मामले में छिपा हुआ है। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ये वास्तव में कैसे काम करेगी, और इसके जो चेयरमैन होंगे और इसके जो मेंबर्स होंगे, ये मेंबर्स का ऐसे, इसमें कुछ विरोध भी हुआ है TSC में। TSC का मुद्दा थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हुआ, जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनको कहना है कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अभी इसका पहला मीटिंग हुआ था TSC का, तो इसको बायकॉट किए। खैर, ये तो अलग इशू है, पॉलिटिकल पे हम जाएंगे नहीं। मेन इशू है कि काम कैसे कर रही, और ये पहल क्या है, इसमें उठाया गया। उसके अंतिम टॉपिक है आदिवासी अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर ट्राइबल्स का पॉपुलेशन देखा जाए, ये कन्फर्म तो नहीं है, चूँकि अभी कुछ जंगल में रहते हैं। अब से एग्जाम्पल बिरहोर, अब बिरहोर जंगल में रहेगा तो कहाँ से हम लोग खोज पाएंगे कितना लोग रह रहा है। लेकिन फिर भी अनुमानतः 10 करोड़ हिंदुस्तान की में जो आबादी है ट्राइबल्स का, वो आबादी है 10 करोड़। अब 10 करोड़ एक बहुत बड़ी आबादी है, 10 करोड़ एक बहुत बड़ी आबादी है। और अगर मान लिया जाए इंडिया UNO का मेंबर है, तो ये UNO चाहेगा कि ट्राइबल्स के बेहतरी के लिए
इनके विकास के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, इनके काम के लिए काम हो, है ना। तो इसलिए लास्ट मुद्दा पे हम रखे हैं कि आदिवासी अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र, इसमें कुछ बातें हैं ऐसे, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, ये पार्ट हम जो जोड़े हैं दो पार्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन चूंकि सरना कोड अभी काफ़ी पॉपुलर हुआ और काफ़ी विवादित हुआ है, और हो सकता है कि जोड़ के पूछ दे कि सरना कल्चर में सरना कोड का क्या इंपॉर्टेंस है या सरना कोड क्या है। जब सवाल ऐसा पूछेगा तो अभ्यस्त सी बात है कि फिर उसका आंसर देना मुश्किल होगा, इसे टेल के रूप में इसको हम जोड़ दिए हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये दो पार्ट जो है सो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पार्ट आपका है कि सरना धर्म क्या है, और दूसरा जो सरना संस्कृति है उसकी विशेषताएँ क्या है। ऐसा मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल पता है क्या और एग्जाम में जो जाएंगे आपके एग्जाम नहीं हो, जो ये नहीं आएगा वही आजकल आ रहा है। ऐसा लगेगा कि इससे नहीं जा रहा क्या, ऐसा लगेगा कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में जाएंगे ये छपा रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए करके ही जाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इसमें सरना धर्म क्या है, तो इसमें मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है उससे पहले थोड़ा सा हम दो मिनट लगा बोलने में बैकग्राउंड का बता दे रहे हैं कि सरना धर्म वास्तव में एक ऐसा धर्म है जिसमें कि कोई इसका लिखित होता है ना कि अपना कोई किताब से कुरान है या बाइबिल है या कहा जाए कि वेद है या कहा जाए गीता है, कोई ऐसा लिटरेचर नहीं उपलब्ध नहीं है, बस एक ऐसा धर्म चल रहा है जहाँ पर प्रकृति को लोग उपासना के रूप में देखते हैं और प्रकृति उपासक होते हैं इसके लोग, ठीक है। ये बहुत कट्टर भी नहीं है, बहुत सिंपल सा धर्म है, इसमें लोग आदिवासी लोग ज़्यादा मानते हैं, और वैसे आदिवासी जो हजारों हजार साल से प्रकृति की पूजा करते आए हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए है। अब देखिए सरना धर्म झारखंड के आदिवासियों का आदि धर्म है, आदि धर्म का मतलब ही हुआ हजार हजार सालों से चलने वाला धर्म या जो चलता आ रहा है। वास्तव में कहा जाए तो आदिवासी हजारों हजार वर्ष पूर्व से प्रकृति और जंगल की पूजा करते रहे हैं, इनमें से साल का वृक्ष महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा झारखंड में जो है वो साल का वृक्ष का एक और नाम है सखुआ, जो लोकल नाम है वह आपका नाम है सखुआ। तो सखुआ का पेड़ वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और जब ये आदिवासी पूजा करने जाते हैं तो सखुआ के पेड़ की ही पूजा करते हैं। यहाँ ये प्रकृति के आराध्य सिंहबोंगा की पूजा करते हैं। वास्तव में जो उनका आराध्य देव है, भगवान है, ईश्वर है, उसका नाम है सिंहबोंगा। हम लोग करते हैं ना भगवान जय श्री राम या विष्णु भगवान, ठीक है ना, या भगवान शिव या अल्लाह, हम लोग बात करते हैं। उसी प्रकार से इन सरना वालों का या जो आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं उनका जो ईश्वर है उसका नाम है सिंहबोंगा। यही सरना धर्म है। सरना धर्म की उत्पत्ति बहुत रोचक है। एक बार कुछ संथाल जंगल शिकार करने गए थे, वहाँ ईश्वर संबंधी टॉपिक पर विवाद होने लगा तथा वे कहने लगे कि सृष्टि का निर्माता कौन है। फिर सभी लोगों ने निर्णय लिया कि एक तीर छोड़ा जाए जहाँ तीर जाकर गिरेगा वही ईश्वर का निवास स्थान होगा। और यह तीर छोड़ा गया जब, यहाँ पे जन लिखा हुआ है, जब तीर छोड़ा गया तो यह साल वृक्ष पर जाकर गिरा, तभी से वे साल वृक्ष की पूजा करने लगे और इन्होंने अपने धर्म का नाम सरना रखा। तो संथाल लोग जंगल गए, उनको लगा कि भाई आज ये फैसला हो ही जाए कि वास्तव में जो सृष्टि है इसका रचिता कौन है। तो लोगों ने निर्णय किया कि हम एक तीर छोड़ेंगे और ये तीर जाकर जहाँ गिरेगा वही हमारा आराध्य देव होगा। और ये तीर जाकर गिरा साल के पेड़ या सखुआ के पेड़ पे, ठीक है ना। तो तभी से उनका जो आराध्य देव है उनको जो पूजा करने लगे और पूजा जो है वो साल का पेड़ में ही करने लगे। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। सिंहबोंगा के अलावा आदिवासी सरना देवी की पूजा करते हैं। जिस तरह हमारे धर्म में भगवान की के साथ साथ देवियों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से जो प्रकृति पूजक हैं, जो आदिवासी जो ट्राइबल्स हैं, वे भी अपने
देवियों के रूप में जो पूजा करते हैं उसका नाम है सरना देवी। उनका ऐसा मानना है कि साल वृक्ष सरना देवी का स्थान है और वे उड़ान उड़ाव उड़ाव यहाँ पे है उड़ाव जनजातियों की रक्षा और पालन करती है। सरहुल पर्व के दिन पाहन पूजा को संपन्न कराते हैं। पाहन बोलते हैं वैसे वाहन बोलते हैं वैसे व्यक्ति को जो धार्मिक क्रियाकलाप कराता है या धार्मिक क्रियाकलाप को संपन्न कराता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सरना स्थल में साल वृक्ष के नीचे जनजातीय लोग अपने अपने संस्कारों को पूरा करते हैं, जिसे जाहेर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थल पे जहाँ पूजा होती है, जहाँ पे आप लोग को, उसको जाहेर कहते हैं। ठीक है, पूजा पाठ की प्रक्रिया पाहन था उसका सहयोगी पुजार या पनभरा करते हैं। जो पूजा पाठ करता है वह व्यक्ति होता है पाहन, और साथ में उसको असिस्ट करने वाला या उसको सपोर्ट करने वाला जो व्यक्ति है वह है आपका पुजार अथवा पनभरा। जब जीएस में आप पढ़ते हैं कल्चर वाला पाठ जेपीएससी में, तो वहाँ पे पाहन के बारे में या पुजार के बारे में या पनभरा के बारे में आपको सारा कुछ दिखाई पड़ता है, पता चलता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में सरना कोई धर्म नहीं है, बल्कि आदिवासियों की जीवन जानने की पद्धति है, जिसमें लोक व्यवहार के साथ साथ पारलौकिक अध्यात्म भी जुड़ा होता है। पारलौकिक अध्यात्म का अर्थ ही हुआ कि एक ऐसी सत्ता है जो हम सबकी रक्षा कर रही है। यहाँ पे आदिवासी क्या मानते हैं? आदिवासियों का ऐसा मानना है कि सिंगबोंगा एक ऐसा ईश्वर है, या एक ऐसा मतलब ऐसा शक्ति है, ऐसा पावर है जो हम सभी की रक्षा करता है और हम सभी के कल्याण के लिए, हम सभी के विकास के लिए काम करता है। ठीक है, अगला बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्ट आपका है सरना संस्कृति की विशेषताएं। ठीक है, थोड़ा सा उमेश थोड़ा सा रोको, सरना संस्कृति की विशेषताएं।